हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्फॉर्मेशन चैनल। आदाब, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोग गाड़ी चलाते हो, राइट में जाने के लिए आप राइट का इंडिकेटर चालू करते हो, लेफ्ट में जाने के लिए आप लेफ्ट का इंडिकेटर चालू करते हो, ये तो होगा इंडिकेटर। उसके अलावा भी पांच हैंड सिग्नल्स हैं, पाँच, वो भी आप लोगों को समझना है, याद रखना है, आपको भी फॉलो करना है। आपके आगे वाला आपसे हैंड सिग्नल के ज़रिए क्या कहना चाह रहा है वो भी आपको समझना है। तो देखिए, पांच सिग्नल हैं आपके पास। ये सबसे पहले आपको, अगर गाड़ी स्टॉप करनी है तो आपको तीन बार स्लो डाउन करना है हाथ से, इस तरह से करने के बाद में आपको सीधा हाथ ऐसे ऊपर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गाड़ी को रोकने वाले हो। अगर आपके आगे वाला भी आपको इस तरह से सिग्नल दे रहा है, तीन बार दिखाएगा, दिखाने के बाद में आपको इस तरह दिखा देगा, इसका मतलब आपको समझना है कि आगे वाला रोकने वाला है। तो अगर आपको भी उसके पीछे रोकना है तो आप उसी हिसाब से गाड़ी चलाएं। अगर आपको नहीं रोकना है तो आप उसी हिसाब से जो है आप ओवरटेक कर लें उसको। ये हो गया स्टॉप सिग्नल, और एक हो गया पासिंग का सिग्नल। जैसे आपको स्लो चलना है और आपके पीछे वाला आपको कंटिन्यू हॉर्न बजा रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट में करने के बाद में पीछे से आपको इस तरह दिखाना है, तीन बार दिखाना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप पीछे वाले को पासिंग दे रहे हो। ये हो गया पासिंग सिग्नल। और अगर आपको राइट में मुड़ना है, इंडिकेटर तो है आपके पास, अगर इंडिकेटर आपका काम नहीं कर रहा है, बल्ब ख़राब हो गया या होल्डर ख़राब हो गया, तो आपको ऐसे पूरा हाथ बाहर निकलना है राइट वाला। आप बाइक चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, या फोर व्हीलर चला रहे हो, या ऑटो रिक्शा चला रहे हो, आपको इस तरह स्ट्रेट सीधा रखना है हाथ। ये हो गया आपका राइट का इंडिकेटर, यानी आप पीछे वाले को बता रहे हो कि हमको राइट पर जाना है। अगर आपके आगे वाले ने आपको इस तरह बताया है तो इसका मतलब आपके आगे वाले को राइट में जाना है। अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो हाथ को तीन ऐसा सीधा रखेंगे, हाथ को तीन बार घुमाना है। ये हो गया लेफ्ट का इंडिकेटर, ये तीन बार आपको घुमाना है, ऐसे घुमाना है। ये हो गया लेफ्ट का इंडिकेटर, तो ये एक स्टॉप हो गया, ये वाला राइट हो गया, और ये तीन बार इस तरह आपको घुमाना है हाथ, ये लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया। तो आपको यूज़ हैंड, राइट हैंड यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं दिखाना है। फोर व्हीलर में तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन टू व्हीलर में आप लेफ्ट का इंडिकेटर लेफ्ट हैंड से नहीं दिखा सकते हो, आपको राइट हैंड ही यूज़ करना है। इस तरह आपको तीन बार घुमाना है, ये इस तरह घुमाएंगे। कुछ लोग इस तरह उल्टा घुमाते हैं, इस तरह उल्टा नहीं घुमाना है, इस तरह घुमाएंगे, जिस तरह बॉलिंग करते हैं ना, बॉलिंग हमारे लोकप्रिय बॉलर हरभजन सिंह, इरफान पठान, ये सब बॉलर हैं, ये बॉलिंग किस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। तो आपको इस तरह तीन बार घुमाना है। अगर भूल जाओ तो हरभजन सिंह को याद कर लेना, इरफान पठान को याद कर लेना, ये माने हुए दिग्गज के बॉलर हैं हमारे इंडिया के। तो आपको इस तरह तीन बार घुमा लेना है। तो ये हो गया लेफ्ट का इंडिकेटर, और एक हो गया पासिंग का सिग्नल। पीछे वाला आपको हॉर्न बजा रहा, पीछे वाले को इस तरह पासिंग देंगे। ये हो गया चौथा सिग्नल, और एक हो गया स्लो डाउन। अगर आपको गाड़ी स्लो करनी है तो ये स्लो करेंगे। तो ये पांच सिग्नल है, समझ गए? एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, ये स्लो डाउन करने के बाद इस तरह करेंगे, ये स्टॉप सिग्नल हो गया। राइट में जाना है तो ऐसे रोकेंगे, सीधा करेंगे हाथ को, राइट का टू व्हीलर पे हो या फोर व्हीलर पे हो या ऑटो रिक्शा पे, इस तरह दिखाना है। लेफ्ट पे जाना है तो बॉलर को याद कर लेना, तीन बार घुमाना है। ये तीन हो गए। अगर आपको गाड़ी स्लो करनी है, आगे स्पीड ब्रेकर है या ट्रैफिक है, तो आपको सिर्फ इस तरह हाथ को ऊपर नीचे करना है, इस तरह ऊपर नीचे करेंगे। ये हो गया स्लो डाउन का, और एक है सिग्नल पासिंग का, पांचवा सिग्नल ये पासिंग का। पीछे वाले को आपको पासिंग देना है। अगर आपको स्लो चलना है, पीछे वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, तो आप अपनी गाड़ी इंडिकेटर देकर लेफ्ट में करेंगे, पीछे वाले को इस तरह से पासिंग देंगे। ये हो गया पासिंग का सिग्नल। अच्छा, पासिंग किसको देना है? एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ी, इन गाड़ियों को हमेशा पासिंग देना है, क्योंकि ये इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं, समझ गया ना? बाकी दूसरी गाड़ियों को आप पासिंग दें या ना दें वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इन तीन गाड़ियों को आपको हमेशा पासिंग देना। इस तरह करेंगे हम, इस तरह पासिंग देना, पहले हम अपनी गाड़ी लेफ्ट पे लेंगे, उसके बाद में इस तरह आपको पासिंग देना पीछे वाले को। तो ये है पांच सिग्नल, आपको इन्हें याद रखना है और फॉलो करना है, आपको भी फॉलो करना है, आपके आगे वाला आपको क्या कहना चाह रहा है उसको भी आपको समझना है। ओके देन, मेरी ये हैंड सिग्नल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान से गाड़ी चलाइए, अपनी भी जान बचाइए, दूसरों की भी जान बचाइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, इंशाल्लाह। टेक केयर, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।